हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बच्चे एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आप बेसिकली स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में कैसे हमें दिमाग लगाना है, जहां पे हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं, जहां पे हम डेटा को एनालाइज करने की बात करते हैं। बट इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चे आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका टेबुलर फॉर्म में कैसे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है और ग्राफिकली कैसे किया जाता है। अगर वो क्लियर है तो इस चैप्टर को शुरू करना है हमें। ये चैप्टर बच्चे आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे खासे मार्क्स का यहां से पूछा जाता है, तो हम बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहां पे बच्चे हमें एक वर्ड दिख रहा है, क्या वर्ड दिख रहा है? सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होता है ये वर्ड सेंट्रल टेंडेंसी, क्या लग रहा है आपको? सर, सेंटर की तरफ कुछ टेंड कर रहा होगा, सही सोच रहे हो। चलो एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, एग्जांपल से समझते हैं। आपके लिए हमने एक एग्जांपल लिया बच्चे, यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्लास के अंदर में, आपकी क्लास के जो बच्चे हैं उनकी हाइट और वेट का, है ना जी। आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी हाइट या वेट की बात करते हैं, तो आपकी क्लास में अगर हम वेट को या हाइट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या देखते हैं? हमारे पास में मैक्सिमम बच्चे बीच में आते हैं, राइट। मतलब अगर मैं वेट की बात करता हूँ तो हमारे क्लास का बच्चों का वेट 45 केजी से लेकर 100 केजी तक वेरी कर रहा होगा। बट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कहाँ होंगे? 60 केजी, 65 केजी, 70 केजी। वैसे ही हाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ भी मैक्सिमम बच्चे कहाँ होंगे आपके? राइट, बच्चे वेरी कर रहे होंगे 4 फीट से लेकर आपका 6.5 फीट तक, बट मैक्सिमम बच्चे 5 फीट to 6 फीट के बीच में आ रहे होंगे, राइट। मैक्सिमम बच्चे 5.5 फीट से 6 फीट के बीच में ही रहते हैं, ऐसे ही रहता है। तो हमारा डेटा कहाँ ट्रेंड कर रहा है? सेंटर की ओर कर रहा है, राइट। सो अगर हम ड्रॉ करते हैं इसी बात को अगर हम ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ पे, तो देखिए कैसा ग्राफ बनेगा इसका। अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ आपका, है ना, यहाँ पे हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो गए हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे राइट नीचे में यहाँ पे आ गए हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, तो ग्राफ देखो कैसा रहेगा, ठीक है, हाइट ऑफ स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे लेट सपोज 4 फीट भी हाइट है, 5 फीट भी हाइट है, 6 फीट भी हाइट है, और आपका 7 फीट भी हाइट है ना। तो यहाँ 4.5 भी है, 5.5 भी है, और ये 6.5 भी है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का ट्रेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक दो बच्चे होंगे और फिर 5.5 फीट पे ज़्यादा होंगे और 7 फीट पे कम हो जाएंगे, ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा, और ये नीचे जाके शायद मिल भी जाएगा कहीं पे। तो मैक्सिमम बच्चे कहाँ दिख रहे हैं आपको? सर मैक्सिमम बच्चे हमें यहाँ दिख रहे हैं, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम कहाँ है? इस जगह पर है, इस जगह पर। तो ये देखिए ना, ये आपके जहाँ कम वैल्यूज़ है, जहाँ पे कम वैल्यूज़ है जो कि ये वाली है ना, यहाँ है ना, ये आपके जहाँ ज़्यादा वैल्यू है वो वहाँ है। तो ये हमारी बीच की वैल्यू जो आ रही है ना बच्चे, वहाँ पे हमारे पास में ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हमें क्या पता चला इस चीज़ से? हमें ये बात पता चली कि हमारे जो डेटा होता है, चाहे कोई भी डेटा हो, या कोई भी डेटा हो, वो डेटा हमारा सेंटर की तरफ भागता है। मतलब सेंटर में हमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मिलती है, राइट। एट सेंटर फ्रिक्वेंसी इज हाई, राइट। और इसी बात को हम बोलते हैं कि डेटा जो है वो हमारा सेंटर की तरफ टेंड करता है, डेटा जो है वो हमारा सेंटर की तरफ टेंड करता है। और जब इस डेटा के रिलेटेड में जो ये सेंटर की तरफ टेंड कर रहा है उसको हम कोई वैल्यू दे देते हैं, राइट। तो जो ये पर्टिकुलर चीज है यहाँ पे जो निकाली है, इसकी अगर मैं कोई एक नंबर में एक वैल्यू दे देता हूँ तो वो वैल्यू बन जाती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे दोस्त बन जाएगी, वो मेजर बन जाएगी। किस चीज़ का भाई? किस चीज़ का मेजर? सेंट्रल टेंडेंसी का। किस चीज़ का मेजर है बच्चे मेरे? सेंट्रल टेंडेंसी का, है ना, राइट। समझ में आया? सिंपल सी चीज़ है, राइट। क्या समझा? एक बार दोबारा से फटाफट रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा कि हमारा मैक्सिमम डेटा सेंटर की तरफ टेंड करता है, और सेंटर की तरफ टेंड करता है अगर डेटा, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। और जो सेंटर की टेंडेंसी को वैल्यू बताती है वो वैल्यू कहलाती है हमारी क्या? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यही बात हमने यहाँ लिख भी दी आपके लिए, राइट। यही बात हमने यहाँ लिख भी दी। क्या लिखा? कह रहा है एज वी कैन सी मेजोरिटी ऑफ डेटा इज टेंडिंग टू क्लस्टर टुवर्ड सेंटर। ज्यादा से ज्यादा डेटा जो क्लस्टर हो रहा है, जो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आ रही है वो कहाँ आ रही है? सेंटर की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी इसको बोलेंगे, राइट। और जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी सेंट्रल टेंडेंसी को वो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगी। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई? ओके जी, राइट। अगर कोई डेफिनेशन याद करना चाहता है, लिखना चाहता है, इसको नोट डाउन कर लो, ओके। एंड इसके बाद में अब आप मुझे बताओ कि आपने
सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर है जनरली क्या सुना हुआ है? राइट सर, हमने एवरेज सुना हुआ है। हम जनरली देखते हैं ना, क्या देखते हैं कि भाई एवरेज मार्क्स क्या है बच्चों के, है ना, या फिर हम देखते हैं क्लास के अंदर में एवरेज हाइट क्या है या एवरेज वेट क्या है। तो हम एवरेज जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, वहां पे जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे आएंगे वो होता है हमारा एवरेज, है ना। वो कहाँ आते हैं, बीच में कहीं आते हैं। तो एवरेज जो वर्ड हम यूज करते हैं ना अपने डे टू डे लाइफ में, वो मेजर है किस चीज का, सेंट्रल टेंडेंसी का। ऐसे और भी बहुत सारे मेजर है, ओके ऐसे और भी बहुत सारे मेजर है जो हमारा कॉमनली मेजर वर्ड यूज होता है सेंट्रल टेंडेंसी का, दैट इज एवरेज। उसके अलावा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीन मोड, हार्मोनिक मीन और मीडियन, ये हमारे सारे सेंट्रल टेंडेंसी के मीडियम हैं बच्चे। ओके क्या क्या बताया मैंने आपको, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये कुछ पर्टिकुलर मेजर हैं सेंट्रल टेंडेंसी के जो हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर में, इस क्लास में नहीं मतलब आने वाली क्लास के अंदर और इस चैप्टर के अंदर में, राइट। और हम समझेंगे कि ये मीडियम्स जो हैं मेजर करने के सेंट्रल टेंडेंसी की, उसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और फिर हम चेक करेंगे कि आइडियल मेजर क्या होता है मेजर करने का सेंट्रल टेंडेंसी को, क्या कंडीशंस है उसकी, राइट। कई बुक्स के अंदर में पहले बताया है आइडियल मेजर, बट हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या मेजर्स होते हैं, वो क्या क्या फॉर्मूलाज हैं उनके, और उसके बाद में चेक करेंगे कि क्या है आइडियल मेजर, ठीक है। तो शुरू करते हैं, हमारा जो पहला मेजर है क्या भाई, अर्थमेटिक मीन। किससे बात करने वाले हैं यहाँ पे बच्चे, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को नॉर्मली हम बच्चे मीन भी बोलते हैं और कई जगह पर हम इसको एवरेज के रूप में भी बोलते हैं। तो कहीं अगर आपको एवरेज लिखा हुआ मिल रहा है तो वो आपको क्या है भाई, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए ही बोल रहा है, या फिर वो भाई मीन निकालने के लिए ही बोल रहा है, ओके। तो सिंपलेस्ट वे में अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए अर्थमेटिक मीन का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या बोल रहा है, कह रहा है इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला बन रहा है भाई, फॉर्मूला बन रहा है इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है, राइट। और इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं भाई, एवरेज भी बोलते हैं, ये बात हमने बताई आपको। अब एवरेज जो है राइट, या अर्थमेटिक मीन जो है, अगर हमें उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कह रहे लेट्स टेक ऑब्जर्वेशन एज x1, x2, x3, x4, x5 टिल xn, ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन ली, तो हम अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करेंगे अगर ये ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं एक्स मीन से, तो एक्स के ऊपर ऐसे डंडा लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं एक्स मीन। तो मतलब ये अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है, ओके जी, राइट। कह रहे फॉर्मूला होता है क्या भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सारी सम करो भाई ऑब्जर्वेशंस का, क्या है भाई x1 को x2 में जोड़ो, x3 में जोड़ो, x4 को भी जोड़ो यहाँ पे, x5 को भी जोड़ो यहाँ पे, ऐसे टिल xn को भी जोड़ो यहाँ पे, ओके जी, समझ में आया बच्चे। और इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करा दो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, एक ऑब्जर्वेशन दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं टिल कहाँ है n तक, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, n हो गई ना, राइट। जो हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है वो n है। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला बनकर आता है, किसका भाई, हमारा अर्थमेटिक मीन का, जिसको हम एवरेज या फिर मीन भी बोलते हैं। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वेश्चन लेके एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे, ठीक है, राइट। चलिए एग्जाम्पल देखा जाए, अब एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है द फॉलोइंग फिगर गिव्स द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, मतलब हमारे पास में कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स है ना भाई, तो 10 ऑब्जर्वेशन है उनके, किस चीज का ऑब्जर्वेशन है, मार्क्स का ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या मार्क्स है, 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6 और 1। आपको क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, एक्स मीन ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर डंडा लगा के, और ये क्या होता है, हर ऑब्जर्वेशन का सम। तो मतलब पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, ये है, सेकंड ये है, तो इसको मैं x1 बोल सकता हूँ, इसको x2 बोल सकता हूँ सेकंड ऑब्जर्वेशन को, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है, इसको मैं x3 बोल सकता हूँ, ऐसे ही लास्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी भाई, हमारी 10th ऑब्जर्वेशन है ना, ये x10 हो जाएगा, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स है ना, तो लास्ट ऑब्जर्वेशन हमारी 10th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। अब इन सारी ऑब्जर्वेशन का सम, तो मतलब x1 को x2 में ऐड करो, फिर x3 में, फिर x4 में, जैसे ये बन जाएगी हमारी x4, है ना, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन फोर्थ है ना, तो वो x4 बन जाएगी, ऐसे ही कहाँ तक चलेगा भाई, xn तक। इसको फिर डिवाइड कराएंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि n होती है, तो ऐड करें, चलो भाई n की वैल्यू यहाँ क्या है भाई, 10 है,
है ना। सो एन की वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्टली पुट भी कर सकता था 10, है ना भाई। और सिमिलरली नीचे में भी यहाँ पुट कर सकता था, एन की वैल्यू डायरेक्ट क्या भाई मैं 10 पुट कर सकता था। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, एक्स वन की वैल्यू क्या भाई 12 है ना भाई 12 है। एक्स टू की वैल्यू क्या है 8 है, अगली क्या है 17 है, अगली क्या है 13 है, फिर 15 है, फिर 9 है, फिर 18 है, फिर 11 है, फिर 6 है और फिर 1 है। ये ऑब्जर्वेशन है। डिवाइड किससे करेंगे भाई हम 10 से, डिवाइड किससे करेंगे 10 से। चलिए भाई एक्स मीन निकालो, ऐड करो फटाफट राइट। अब ऐड आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ज़्यादा वैल्यू नहीं है, और चाहो तो कैलकुलेटर का भी यूज़ कर लो। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो डायरेक्टली ऐड करो, अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो कैलकुलेटर का यूज़ करो। हम टाइम सेव करते हैं और यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं अभी, ठीक है। करो भाई फटाफट करो, 17 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 1, ठीक है। सॉरी कितना हुआ भाई 110 आ गया। अब चेक जरूर करने का, क्योंकि आपको ध्यान रखना है बच्चे की स्टैट्स में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जीरो कैलकुलेशन एरर। तो चेक रखने का, चेक कर लो 12 प्लस 8 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 1, एकदम सही है कैलकुलेशन, है ना। तो कितने वैल्यू आए भाई 110 डिवाइड बाय 10, तो 10 के अंदर में 110 से जीरो कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई भाई 11 आई है। तो एक्स मीन की वैल्यू क्या आई भाई 11 आई। तो एक्स मीन क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या आई है भाई हमारी 11 आई है। तो ये इस तरीके से बच्चे आपको सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से सॉल्व करना है। समझ में आया? यस सर। बट एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दो। चलो भाई हम थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेकर एक क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग आर द मंथली सैलरी इन द मल्टीपल ऑफ 1000 INR। आपको यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई है वो 1000 INR का मल्टीपल है, मतलब आपको जो एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय की जो सैलरी दी है वो क्या है 41 नहीं है, 41 इंटू 1000 INR 41,000 रुपीज है राइट। सिमिलरली 32 इंटू 1000 INR इंटू 45 इंटू 1000 INR, ये सैलरीज इस तरीके से है। आपको पता क्या करना है भाई, मीन वेज बतानी है, मतलब जो ये सैलरी है उसका मीन बताना है। तो मीन निकालना है तो मतलब आपको अर्थमेटिक मीन बताना है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है भाई, एक्स मीन जो है वो हमारी हर ऑब्जर्वेशन का सम हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो हर ऑब्जर्वेशन का सम करो, क्या निकल कर आ रहा है भाई, ये निकल कर आ रहा है ना, देखो 67 फिर 78 फिर 90 फिर 75 फिर 33 और 44। कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ लिखा भी हुआ है ना 10 एम्प्लॉयज, यहाँ लिखा भी हुआ है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 10 है। इस तरीके से आप काउंट भी कर सकते हो, अगर कहीं मेंशन है तो अच्छी बात है, हमारा टाइम सेव होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, आप इसको डायरेक्टली सम करोगे टाइम लगेगा, कैलकुलेटर का फटाफट यूज करते हैं, है ना। 41 प्लस 32 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 78 प्लस 90 प्लस 75 प्लस 33 प्लस 44 कितना है भाई 570। चेक कर ले, गड़बड़ तो नहीं करी। 41 प्लस 32 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 78 प्लस 90 प्लस 75 प्लस 33 प्लस 44 कितना आया था भाई 570 को 10 से डिवाइड कराया, ये हमारी एक्स मीन की वैल्यू है। कितनी आई भाई 57। अब क्या मीन वेज 57 है, हमारा आंसर 57 है नहीं। मीन वेज कितनी है 57 इंटू मल्टीपल ऑफ 1000 INR। सो आप क्या लिखोगे, मीन वेज क्या है भाई हमारी, मीन वेज क्या है भाई हमारी, क्या है भाई जल्दी बताओ, हमारा जो ये मीन निकला है इसको हमें 1000 INR से मल्टीप्लाई कराना है। तो कितना आया भाई, सर ये आया रुपीज 57,000, है ना बच्चे 57,000 आया ना भाई। सो इस तरीके से आपको निकालना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये अगर आप आंसर लिखते हो तो गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर है, ऑप्शन में भी आता है, तो चेक करके रखना है, कहीं भी गड़बड़ हमें नहीं करनी है, ये छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रखो। और बच्चे साथ में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो क्वेश्चन सर करा रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप देखोगे और बोलोगे हो गया, साथ साथ में अपना प्रैक्टिस करना है, साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मजा तब आएगा जब सर से पहले आप आंसर निकालोगे, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है बच्चे। अभी तो हमने जो देखा
जो अभी तक हमने देखा वो तो एकदम सिंपल सी वैल्यूज थी, राइट। बट हमने पढ़ा था भाई कि हमें स्टार्ट्स के अंदर में डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे बात करनी होती है जब हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की एक से ज्यादा वैल्यू होगी तो क्या फॉर्मूला होगा अर्थमेटिक मीन का, देखना चाहोगे? यस देखेंगे। चलिए, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई इंप्लॉय है जो 65,000 कमाता है, वो एक नहीं एक से ज्यादा है, मतलब 65,000 सैलरी जिसकी है, वो 5 या 6 लोग हैं, तो वो तो इस फॉर्मूला में फिट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कुछ और फॉर्मूला चाहिए होगा ना। तो वहां पे हम अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। कैसे फॉर्मूला बनाएंगे हम, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनाएंगे। हमने क्या बोला, बोला कि जो आपने ऑब्जर्वेशन ली थी X1, X2, X3, X4, वहां पे जो आपने वैल्यू लिया था ना, हर एक की फ्रीक्वेंसी 1-1 माना था, ऑटोमेटिकली 1-1 माना था। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि आपकी क्लास में मान लो अगर एक टेस्ट हुआ 100 मार्क्स का, 50 नंबर लाने वाला एक ही बच्चा है और 60 नंबर भी एक ही बच्चा लेकर आया, 55 भी एक ही लाया, नहीं ना ऐसा नहीं होता। 55 2-3 बच्चों के आए होते हैं, 60 भी 4-5 बच्चों के आए होते हैं, सो एक से ज्यादा वैल्यू भी आती है। तो रियल लाइफ में फ्रीक्वेंसीज होती हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की। तो हम मानते हैं कि लेट सपोज जो ये ऑब्जर्वेशन है उसकी फ्रीक्वेंसीज कुछ इस तरीके से है, मतलब X1 की जो फ्रीक्वेंसी है, इस X1 की जो फ्रीक्वेंसी है मेरे बच्चे वो F1 है, X2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 है, X3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो F3 है, X4 की फ्रीक्वेंसी F4 है, ऐसे ही चलते जाएंगे तो XN की फ्रीक्वेंसी FN आ जाएगी। तो उस केस में फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनता है, कह रहे कि ये इसको हटाओ, ठीक है, कह रहे कि लिखोगे आप एक्स मीन, फॉर्मूला कुछ इस तरीके है, कह रहे कि आप ऊपर में आपको क्या करना होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी पहले की पहली ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कराएंगे, उसको ऐड करेंगे दूसरे की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करा के उसकी ऑब्जर्वेशन में, तीसरे की फ्रीक्वेंसी उसकी ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करा के ऐड, चौथे की फ्रीक्वेंसी चौथे की ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई करा के ऐड, ऐसे ही जो लास्ट हमारी FN है फ्रीक्वेंसी लास्ट ऑब्जर्वेशन की, उसमें मल्टीप्लाई करा के ऐड, फिर इसको डिवाइड कराएंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से डिवाइड कराया जाएगा इनके सम से, है ना। तो मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 टिल FN, ये सम होगा, ठीक है ना बच्चे, ये फॉर्मूला होता है। फटाफट नोट डाउन करो, राइट। अब अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो आप बच्चे मुझे ये बताओ, क्या आप इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना सही लगेगा? नहीं लगेगा ना, आपको लगेगा कि क्या है यार, मतलब इतना बड़ा फॉर्मूला, पहले ही पिछला फॉर्मूला बड़ा था, इसको कुछ छोटा लिखवाना चाहिए, राइट। सो वहां पे हम एक साइन यूज करने जाएंगे जिसको हम बोलते हैं सम्मेशन। क्या बोलेंगे? सम्मेशन, ओके, राइट। ये सम्मेशन साइन जिन बच्चों को पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है उसको भी हम समझा देते हैं। क्या वर्ड है बच्चे? समेशन जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस साइन का मतलब है कि हमें सम करना है, ऐड करना है। तो ऐड, जैसे देखो यहां पे ये प्लस साइन है ना, ये प्लस साइन है ना, ये प्लस साइन की जगह पर हम ये सम वर्ड यूज करते हैं, ओके। बट कहता क्या है ये समेशन साइन, बोलता है अगर आपके पास में कोई पैटर्न बन रहा है तो, और उसमें एक सम हो रहा है हर पैटर्न का, हर इंडिविजुअल पैटर्न का सम हो रहा है, तो आप उस समेशन साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमें कोई पैटर्न दिख रहा है, देखिए ये न्यूमरेटर में कोई पैटर्न दिख रहा है, ये सर दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है जल्दी बताओ सर? पैटर्न कुछ इस तरीके का, देखो ये FX है, ये भी FX है, ये भी FX है और ये भी FX है, बट पैर में सर यहाँ 1-1 है, यहाँ 2-2 है, यहाँ 3-3 है, यहाँ 4-4 है, तो मतलब FX को मल्टीप्लाई कराया है और पैर में चेंज कर दिया गया है। तो कह रहे हैं कि अगर हम मान लेते हैं यहां पे FX को हम मल्टीप्लाई कराएंगे और पैर में हम एक वेरिएबल I लगा देंगे, जिस I की वैल्यू कहां से है भाई, 1 से n तक है। तो अगर मैं ये ऊपर वाली लाइन को छोटे में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। यहां का मतलब क्या है भाई कि I की वैल्यू, ये जो I है ये 1 डाल सकूंगा, फिर 2 डालूंगा, फिर 3 डालूंगा, फिर 4 डालूंगा, टिल n डालूंगा। तो मतलब F1 X1 का सम F2 X2 से, सम F3 X3 से, सम F4 X4 से, टिल FN XN से, है ना, ये होगा ऊपर में। और ये तो न्यूमरेटर हो गया, अब डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है दिख रहा है हमें, यहां भी ऊपर में FFF आ रहा है और पैर में 1 2 3 4 इस तरीके से चला जा रहा है।
तो पैर में हम बोलेंगे, लेट सपोज यहाँ आई वेरिएबल लिया है, हम जे वेरिएबल ले लेते हैं, वो भी वन से एन तक है ना। और सम किसका हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का। वेरिएबल क्या है भाई पैर में, जे, जे की वैल्यू वन से एन तक चेंज होती जा रही है, राइट। सो ये फॉर्मूला बनकर आया एक्स मीन का। अब आपको यहाँ पे इसको पूरा लिखना है फॉर्मूला को, तो यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी। क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो कह रहा है यहाँ तक में इतना काम नहीं चलेगा, बस इसके साथ में एक और चीज लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप क्या, कह रहे पहले लगाओ सेमी कॉलन, सेमी कॉलन लगाओ, लिखो आई की वैल्यू यहाँ पे है आपकी 1 to n, ठीक है, आई की वैल्यू है 1 to n और जे की वैल्यू है आपकी 1 to n, है ना, जहाँ पे आपका आई एंड जे जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के अंदर में, ठीक है। जैसे हम सेट्स में पढ़ते थे ना, हमने पढ़ा है ना, जिसने नहीं पढ़ा है पहले मैथ्स का सेट्स वाला चैप्टर कंप्लीट करके आओ इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, ओके, वो अगर ध्यान से पढ़ा है तभी यहाँ पे पढ़ोगे, ओके। अगर आपने आई और जे की वैल्यू आपकी बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर को, और आई की वैल्यू 1 से एन के बीच में है और जे की वैल्यू 1 से एन के बीच में है, तो हमारा एक्स मीन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एफ आई एक्स आई का सम्मेशन, जहां आई की वैल्यू 1 से एन तक है, डिवाइड बाय एफ आई का सम्मेशन, जहां आपकी वैल्यू जे की 1 से एन तक है। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आया, ओके। तो सम्मेशन साइन का यूज करके हमने फॉर्मूला को छोटा कर दिया, हमने फॉर्मूला को छोटा कर दिया, तो बेसिकली अब हमारा फॉर्मूला इतू सा रह गया, इतू सा रह गया, ठीक है ना। ये तो हमारी कॉमन सेंस के लिए हम लिखते हैं, तो शॉर्ट में कई बार इसको ना फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाएगा, एक्स मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ जे, ठीक है, ऐसे लिख देगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, आपको अंडरस्टैंड करना है आई की वैल्यू पहली ऑब्जर्वेशन से लास्ट ऑब्जर्वेशन तक जा रही है और जे की वैल्यू भी पहली ऑब्जर्वेशन से लास्ट ऑब्जर्वेशन तक जा रही है। ये आपको बोल रहा है कि अपने आप समझने का, ये अभी नहीं समझोगे, जब आप बहुत सारे फॉर्मूलाज प्रैक्टिस कर लोगे तब समझोगे, ठीक है। ये एक हमारा डायरेक्ट मेथड कहलाता है फॉर्मूला में, एक होता है शॉर्टकट मेथड, बट इसको अभी नहीं समझेंगे, इसको पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद मेरे बच्चे हम शॉर्टकट मेथड समझेंगे। पहले हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन लिया आपके लिए ये वाला, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा मेरे बच्चे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बन रहा है कुछ ये, कह रहा है कि इन अ टेस्ट ऑफ 10 marks 100 स्टूडेंट्स गेट मार्क्स एज बिलो, ये कुछ मार्क्स आए हैं बच्चों के, मार्क्स कितने हैं भाई 1 से 10 तक। यहाँ पे क्या है भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 100 है, जिसमें से एक मार्क लाने वाले 2 हैं, ऐसे ही 2 लाने वाले 3 हैं, 5 लाने वाले 30 हैं, 6 लाने वाले 10 हैं और 10 लाने वाले 4 हैं। आपको क्या बताना है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड बताना है। क्या बताना है मेरे बच्चे, एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड, मतलब आपको मीन निकालना है। तो अब कैसे निकालोगे एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड या मीन, हमने फॉर्मूला क्या देखा है, हमने फॉर्मूला देखा है एक्स मीन का। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसीज है ना, हमने तो फॉर्मूला देखा है फ्रीक्वेंसीज के केस में, क्या भाई हमने देखा है एक्स मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ जे, ठीक है, या फिर एफ आई भी लिख सकता हूँ क्योंकि आई की वैल्यू 1 से n तक सेम रहेगी। बट आपको पता कैसे चलेगा कि एफ आई क्या है और एक्स आई क्या है, सिंपल सा, ऑब्जर्वेशन कौन सी है इनमें से जो मार्क्स ऑब्टेंड हुए, यही ऑब्जर्वेशन है ना। आपने ऑब्जर्व क्या किया, एक मार्क कितने का आया, 2 मार्क कितने का आया, 3 मार्क कितने का आया, तो ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, मार्क्स ऑब्जर्व कर रहे हो, ये कॉमन सेंस से पता चलेगा, राइट। तो ये क्या है हमारा एक्स आई हो जाएगा, राइट। और 1 मार्क 2 बच्चे लेकर आए हैं, 3 मार्क 5 बच्चे, तो बच्चे लेकर आए हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेकर आए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे हमने काउंट किया है, और काउंट कहाँ करते हैं, जब फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं। तो ये नंबर जो है वर्ड जहां भी लिखा होता है ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये एफ आई हो जाएगा। अब हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, ये फ्रीक्वेंसी है, राइट, ये फ्रीक्वेंसी है और ये ऑब्जर्वेशन है। अब ये पहली ऑब्जर्वेशन है तो ये एक्स वन हो जाएगा, ये एफ वन हो जाएगा, ऐसे ही ये एक्स टू हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ऐसे ये लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी भाई, 10th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, है ना, और ये F10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है भाई, ऊपर में क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्वेशंस का मल्टीपल यहाँ पे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का मल्टीपल, मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी को उसकी ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कराने का है, तो कराएं भाई यहाँ पे, राइट। ऊपर में क्या है भाई, यही है ना, फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ये है, ऑब्जर्वेशन ये है, इनका मल्टीपल 1 into 2 आ गया,
टू इंटू थ्री सिक्स आ गया, साथ साथ करना है मेरे बच्चे, तीन इंटू पांच पंद्रह आ गया, चार इंटू दस चालीस आ गया, पांच इंटू तीस 150 आ गया, सिक्स इंटू टेन 60 आ गया, सेवन इंटू एटीन 126 आ गया, है ना जी, राइट, एट इंटू ट्वेल्व 96 आ गया, और नाइन इंटू सिक्स 54 आ गया, और 10 इंटू फोर 40 आ गया। तो ये मेरा सम किसका, ये हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसीज इंटू एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन का मल्टीपल। सम करने का मतलब क्या कि इन सब का सम करना है। अब हमने पढ़ा है भाई टोटल क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ना, तो वो टोटल क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ टोटल जो आएगा मेरा वो क्या होगा भाई, सम ऑफ एफ आई एक्स आई आ जाएगा ना, है ना, इन सब का सम क्या है मेरा एफ आई एक्स आई। ये हमारा टेबुलर फॉर्म में है, जो हमने पहले पढ़ा था ना क्वेश्चन, जहाँ पे हम नॉर्मली एवरेज निकाल रहे थे, राइट, जब फ्रीक्वेंसीज नहीं थी तो वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी, बट हमारा मेन स्टार्ट टेबुलर फॉर्म में होगा। तो ये हमने देखा क्या भाई, पहली टेबल के अंदर एक कॉलम बनाया जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कराया, उसका जो टोटल नीचे में आता है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब हर ऑब्जर्वेशन का जो है वो सम बन जाएगा, है ना। तो कितना हो गया सम, कैलकुलेटर से चेक कर ले, 2 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 150 प्लस 60 प्लस 126 प्लस 96 प्लस 54 प्लस 40, 589 आया, कितना आया 589। चेक कर लेते हैं, 2 को ऐड किया 6 में, फिर 15 में, फिर 40 में, 150 में, 60 में, 126 में, 96 में, 54 में और 40 में, आंसर आया 589, सही है। ओके जी, अब देखो ये हमारी ऊपर की वैल्यू आ गई, इसका सम हमें 100 स्टूडेंट दे रखा है ना, ये फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो कितना दे रखा है भाई, ये इसका सम हमें एफ आई का दे रखा है 100, ये हमें दे रखा है ना, मतलब आपको अगर यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ता तो इसका सम हमें एफ आई 100 दे रखा है। तो ऊपर वाली वैल्यू का सम हमें पता चल गया कितना है भाई 589, है ना, नीचे वाली वैल्यू का सम हमें 100 दे रखा है, तो एक्स मीन की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे, वो आई 5.89। तो एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, वो आए हैं 5.89, तो लगभग लगभग 6 के आसपास, है ना, क्योंकि 5.89 तो किसी का हो नहीं सकता। तो ये इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन के पास में आ रहा है, 6 के आसपास में आ रहा है, है ना, 6 के आसपास में आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है राइट क्या निकालेंगे मेरे, क्या निकालेंगे आप, निकालोगे अर्थमेटिक मीन, जिसको हम एवरेज मार्क्स भी बोल पाएंगे इस क्वेश्चन में, समझ में आया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आप बोल रहे थे एक शॉर्टकट मेथड है, क्या है वो शॉर्टकट मेथड, ये भी जानना चाहोगे, यस शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं। कह रहे शॉर्टकट मेथड सिंपल है, आपको शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, कह रहे कि देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ी लंबी लग रही थी, राइट, क्या सम करेंगे क्या क्या करेंगे, इतना लंबा लग रहा है, तो इसको एक छोटा बनाने का तरीका है। कह रहे कि आप एक काम करो, आपको निकालना है अर्थमेटिक मीन, तो एक अर्थमेटिक मीन एज्यूम कर लो, ठीक है, क्या करना है अपने को, एक अर्थमेटिक मीन ए, ठीक है, अर्थमेटिक मीन ए एज्यूम करना है, राइट। अब ये अर्थमेटिक मीन जो ए एज्यूम करोगे आप, उस अर्थमेटिक मीन एज्यूम्ड मीन, ठीक है, क्या बोला मैंने, ये ए क्या है मेरा एज्यूम्ड अर्थमेटिक मीन करना है, लिख लो इसको, ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्थमेटिक मीन जो आप एज्यूम करोगे, आप क्या करो, हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर दो, तो आप एक नई ऑब्जर्वेशन बनाओ डी आई, एक्स आई की जगह डी आई बनाओ, जो कि है आपका एक्स आई माइनस ए, हर एक ऑब्जर्वेशन में से आप ये एज्यूम्ड मीन माइनस कर दो। क्या है एज्यूम्ड मीन, हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे, ठीक है, बट आप ये करो, आप क्या कह रहे हैं, आप फ्रीक्वेंसीज को ना ये डी आई से मल्टीप्लाई कराना, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज को डी आई से मल्टीप्लाई कराना, और इसका करो सम, डिवाइड कराओ इसको फ्रीक्वेंसीज के सम से, और इसमें एंड में एज्यूम्ड मीन को ऐड कर देना, ठीक है, ये हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा शॉर्टकट मेथड से। ये इसमें जो है हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कम, ओके, कैसे करना है देखो, अब इसको एग्जांपल से समझाते हैं। क्या बोला मैंने, पहले आपको लेना है एक एज्यूम्ड मीन, चलो जी एज्यूम करो मीन को, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले सकते हो एक से दस के बीच में, बट मीन है तो हमें बीच की लेनी होगी, तो आप बीच में क्या आ रहा है, पाँच आ रहा है और छः आ रहा है, कोई भी एक वैल्यू ले लो, सर पाँच ले लेते हैं, चलिए पाँच ले लेते हैं। सो हमने एक एज्यूम मीन क्या किया भाई, कि हमारा एज्यूम मीन है पाँच,
अब हमें क्या करना होगा, ये 5 माइनस करना होगा हर एक ऑब्जर्वेशन में से, हर एक ऑब्जर्वेशन एक्स आई में से 5 माइनस करके डी आई बनाओ, ठीक है। चलो अभी बनाया जाए। हमारा ए क्या है यहाँ पे, 5 है, एज्यूम मीन क्या है, 5 है। तो हमने क्या किया है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से ये एज्यूम मीन 5 माइनस किया, तो एक में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस में। दो में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा माइनस में। 3 में से 5 माइनस करेंगे -2, यहाँ -1, ये 0, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये वैल्यू आ रही है। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, नया नया फॉर्मूला बताया सर आपने, एक्स मीन का एज्यूम मीन प्लस फ्रीक्वेंसी इनटू नया जो ऑब्जर्वेशंस डी आई आई है उसका सम डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसीज का सम। अब फॉर्मूला में हमें क्या क्या पता चल गया है, 5 पता चल गया है यहाँ है, नीचे में 100 पता है, इसका सम निकालना है। तो हमें वैल्यू क्या चाहिए यहाँ पे, अब फ्रीक्वेंसी इनटू डी आई है ना, ये नई टेबल चाहिए अब यहाँ पे, राइट, फ्रीक्वेंसीज इनटू डी आई। चलो जी करना शुरू करें, है ना, ये टेबल ऐसे बच्चे आपको बनाते रहना है, इस तरीके से टेबल बनाना है आपको। अब देखो कैसे करेंगे, कह रहा सिंपल है, ये आ गया डी आई और ये है आपकी फ्रीक्वेंसीज, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ओके। तो पेन चेंज कर लेते हैं ग्रीन पे, ठीक है। -4 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, -8 आया, -3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, -9 आया, माइनस का साइन साथ में रखना है, -2 × 5 -10 आया, -1 × 10 -10 आया, 0 × 30 0 आ गया, 1 × 10 10 आ गया, 2 × 18 36 आ गया, ठीक है, 3 × 12 36 आ गया, 4 × 6 24 आ गया, 5 × 4 20 आ गया। अब यहाँ पे ना देखो, ये देख रहे हो, मतलब काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होंगे, 18 × 7 क्या होगा, बड़ी वैल्यू है ना, यहाँ पे छोटी वैल्यूज आई तो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाए। अब आपको शायद पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, काफ़ी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन इजीली कर पाओगे। देखो ये 20 है, ये 20 से -10 और -10 चला गया, है ना, राइट, सिंपल है। अब ये कितना बचा, -17 बचा, -17 यहाँ बचा है, और 24 + 10 कितना होता है, 34, तो यहाँ 17 बचा है, राइट। तो मतलब मैं इसको कट करके लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू बची है जो कि है 17। अब 17 प्लस ये कितना है, 36 + 36 कितना होता है, 72 होता है ना, राइट। तो 72 प्लस 17 कितना हो गया, 1 और 9, है ना, सॉरी गलत कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। 72 प्लस 17 कितना हो गया, मैंने 19 ऐड कर दिया गलती से, ये हो गया आपका 9 और 8 89, है ना, सम कितना आया भाई, 89 आया ना, ध्यान से देखो 89 आएगा, 89 आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, और फटाफट कैलकुलेशन हो पाएगी, फास्टली आप वैल्यू निकाल पा रहे हो। अब फॉर्मूला के अंदर में क्या रह गया था, एफ आई डी आई का सम, जो कि ये निकल कर आया, ये क्या है मेरा सम ऑफ एफ आई डी आई, यहाँ पे ये पुट कर दिया, कितना आया था भाई 89। तो एक्स मीन की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स मीन की वैल्यू आ गई है सिंपल 5 + 0.89, कितना आया भाई 5.89, ये वैल्यू आई, ये 5.89 और 5.89 ये सेम है, ओके जी, समझ में आया, ये 5.89 और ये 5.89 एकदम सेम वैल्यू आई है यहाँ पे, राइट। इस तरीके से आपको निकालना है, इस तरीके से आपको वैल्यूज को निकालना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, समझ में आया बच्चे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन निकालते हैं। ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई, तो मतलब हमने एकदम सही तरीके से किया है। अभी हम डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में। अब मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट मेथड से आप खुद सॉल्व करेंगे और आप मुझे बताएंगे क्या दोनों में आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। ये अब हम करते हैं, क्या है देखो, कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डेली अर्निंग इन रुपीज ऑफ 20 वर्कर इन अ फैक्ट्री। तो ये रुपीस में डेली अर्निंग दी है फैक्ट्री के वर्कर की 100, 140, 170, 200 और 250, और इस पर्टिकुलर डेटा में जो वर्कर्स हैं वो इस तरीके से इतने हैं। अब आपको सॉल्व करना है, राइट, क्या बताना है, जहाँ पे एवरेज डेली अर्निंग, क्या बताना है मेरे बच्चे, एवरेज डेली अर्निंग। एवरेज डेली अर्निंग कैसे निकालोगे, एवरेज डेली अर्निंग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको निकालना होगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड से यूज करके निकालना है, डायरेक्ट मेथड से आप करेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, टेबल में बनाओ, तो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, तो डेली अर्निंग, डेली अर्निंग हमारा पहला हो जाएगा,
पहला कॉलम क्या हो जाएगा, डेली अर्निंग का। चलिए जी, डेली अर्निंग जो कि हमारा क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन है, तो इसको हम एक्स आई बोल सकते हैं। तो ये क्या है, 100 है ना, फिर 140 है, फिर 170 है, फिर 200 है, और फिर क्या है भाई, 250 है ना जी, ये वैल्यूज आ रही हैं। अब इसके बाद में अगला क्या है भाई हमारा, नंबर ऑफ वर्कर्स का, नंबर ऑफ वर्कर्स। चलिए जी, नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे एक कॉलम बनाया जाए। अब ये नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसीज एफ आई। वो क्या है भाई, 5 है, 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 2 है, 6 है, 4 है और 3 है, ये ऑब्जर्वेशन है ना। ये हमारा पहला कॉलम यहाँ पे और ये दूसरा कॉलम यहाँ पे, ये कॉलम के कॉलम रेडी हो गए है ना। अब हमें पता है कि भाई शॉर्टकट मेथड में हमें xi नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, di है ना, क्या चाहिए भाई हमें, di चाहिए, xi नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, xi में से एक assume mean माइनस करेंगे। जनरली एज्यूम मीन बीच की वैल्यू लो, इन पांच में बीच की क्या आई है वैल्यू, 170 आ रही है, तो 170 एज्यूम मीन हो गया, 170 माइनस करना है हर ऑब्जर्वेशन में से है ना। सो करो, चलो भाई फटाफट करो राइट, यहाँ पे एकदम क्लीन क्लीन टेबल बनाने का ताकि गड़बड़ ना हो। 100 में से 170 माइनस किया कितना आया, माइनस 70 आया। 140 में से 70 माइनस किया तो 130 आया, ये जीरो हो जाएगा। 200 में से 170 माइनस किया तो 30 आया, और 250 में से 170 माइनस किया तो कितना आया भाई, 80 आया राइट। ये आपकी अलग अलग वैल्यूज हो गई। अब देखिए आपको क्या करना होगा, FIDI निकालना होगा, FIDI निकालना होगा है ना, एक टेबल का अब ये वाला पार्ट यूज करना है। FIDI निकालेंगे, फ्रीक्वेंसीज को DI से मल्टीप्लाई, 5 इंटू माइनस 70 माइनस 350, 2 इंटू माइनस 30 कितना हो गया भाई, माइनस 60 हो गया, जीरो हो गया है ना। 4 इंटू 30 120 हो गया, और 3 इंटू 80 240 हो गया, ये आपका FIDI की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज मिल गई है, अब क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला में क्या चाहिए हमें, सर फॉर्मूला में हमें चाहिए एक्स मीन निकालने के लिए एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू डीआई डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये होता है फॉर्मूला। अब हमें पता है कि भाई सम, इनका सम दे रखा था है ना, आप चेक भी कर सकते हो, FI का जो सम है वो दे भी रखा था, 10 दे रखा था, चेक भी कर सकते हो, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 7 20 राइट, सॉरी 20 दे रखा था, तो 20 सम निकल गया। और क्या चाहिए, एज्यूम मीन हमें 170 लिया हुआ है ना, ये लिया हुआ है ना 170, ये एज्यूम मीन है, प्लस में ये वैल्यू हम निकालेंगे और नीचे में 20 है, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका सम, तो ये सम आ जाएगा क्या भाई हमारा, सम ऑफ FIDI कितना आ रहा है, चेक करो फटाफट चेक करो, सर यहाँ पे माइनस 350 है, यहाँ 240 है, तो माइनस 110 बचा, माइनस 110 120 में गया तो 10 बचा, और यहाँ पे कितना हुआ, माइनस 50, तो इसकी वैल्यू माइनस 50। तो यहाँ से क्या पता चला, माइनस में भी वैल्यू आ सकती है, जरूरी नहीं है प्लस में आएगी, तो माइनस कितना हुआ बच्चे यहाँ पे, 50 राइट। सो एक्स मीन क्या आ गया हमारा, 170, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 2.5 है ना, तो कितना आ गया, 167.75 यही आया ना, ओ सॉरी 167.5 कितना है भाई, 167.5, चेक करो बच्चे आपका भी सेम आंसर आना चाहिए, और आप डायरेक्ट मेथड से भी चूज करके निकालिए। ये देखो अब समझ में आया जो मैं आपको बोल रहा था, लास्ट क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर रहे थे कि आपको डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेटर यूज करना होगा, बट शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी सिंपल हो जाती है। ओके समझ में आया बच्चे, सो डायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व करिए और देखिए क्या सेम आंसर आपका आ रहा है राइट। अब अगर हो गया तो अब हम बात करते हैं, जब हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे या फिर हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को लेकर चलते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है बच्चे, वहाँ पे क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्रीक्वेंसीज ली हैं वो किसके लिए हैं, डिस्क्रीट नंबर के लिए हैं, जब हमारा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होता है। बट अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो गया तो, मतलब जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, तो हम कैसे लेंगे,
हमें ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, राइट? हमने पढ़ा था ये, राइट? जब लास्ट चैप्टर पढ़ा था तब पढ़ा था ना। तो अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे हम तीन मेथड यूज़ करते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, फिर है शॉर्टकट मेथड, फिर है आपका बच्चे स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीन पर्टिकुलर मेथड है। अब डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड लगभग सेम है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा। हमारे यहाँ पे जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्लास इंटरवल्स होते हैं। वहाँ पे आपके पास में एक इंटरवल होगा, एक ऑब्जर्वेशन फिक्स नहीं होगी। मतलब हाइट की बात करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं 4.5 फीट से 5 फीट के लोगों को देखूंगा, 5 फीट से 5.5 फीट के देखूंगा। तो मैं यहाँ पे एक्साई क्या लूँ? कह रहे आपको दिमाग लगाकर एक्साई क्या लेना होगा, मिड पॉइंट। ये ऑब्जर्वेशंस जो आप लोगे यहाँ पे, जो इंटरवल लोगे, आपको क्या करना होगा, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है आपकी, यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, एक्साई क्या हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट इन वैल्यू का, मिड पॉइंट इन वैल्यू का, है ना भाई? समझ में आया? सो हम डायरेक्ट वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, मिड पॉइंट लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा 4.75, है ना? इसका मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 में 4.5 को ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कराएंगे, है ना? इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। तो क्या हो गया, ये देखो, ये हो गया हमारा 9.5 डिवाइड बाय 2। तो कितना आ गया भाई, ये नहीं आ गया, 4.75 आ गया, है ना? इस तरीके से करना है। 5 और 5.5 के बीच में क्या आएगा, 5.25 आएगा, ऐसे ही। और अगर आपको ऑब्जर्वेशन निकालनी होगी तो क्या करेंगे, 5.5 फीट से आपका 6 फीट के बीच में क्या आएगी मिड वैल्यू, सर ये आएगी हमारी 5.75 आएगी। सो अब इस केस में इंटरवल्स जब दे रखे होंगे तो आपको मिड वैल्यू आपकी एक्साई बनेगी, ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी, एक्साई एज अ मिड वैल्यू बनेगी। तो अब मेरे बच्चे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कह रहा है फॉर्मूला तो सेम तरीके से बनेगा, फॉर्मूला सेम तरीके से बनेगा, ठीक है? एक सेकेंड, क्या बनेगा फॉर्मूला, कह रहा है डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला आपका जैसे था ना वैसे ही रहेगा। क्या था फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में, जल्दी बताओ सर। डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला था एक्स मीन का सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई, है ना? ये फॉर्मूला था। बट यहां पे एक्स आई क्या आ जाएगा, एक्स आई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस। ओके, एफ आई क्या है बच्चे हमारा यहां पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस। ओके, एक क्लास है ना ये, ये एक पर्टिकुलर क्या है भाई, एक ये रो जो है आपकी, ये क्या है, एक पर्टिकुलर क्लास है। सो इसका मिड पॉइंट जो है वो हमारी एक्स आई बनेगी और एफ आई क्या होगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास। ये मेरे साथ साथ फॉर्मूला नोट डाउन करो। शॉर्टकट मेथड के अंदर में क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, एक एज्यूम मान लेंगे, मतलब एक मिड पॉइंट को हम एज्यूम मानेंगे मीन है, कि भाई ये मीन है हमारा। उसमें फिर हम क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस करेंगे तो डी आई निकलेगा, फिर उसको हम फ्रीक्वेंसी से ऐड कर डिवाइड करा देंगे। सो यहाँ पे डी आई क्या है भाई हमारा, जहाँ पे डी आई है हमारा एक्स आई माइनस का एज्यूम्ड मीन, है ना, ये रहेगा। स्टेप डेविएशन मेथड ये एक नया है, कह रहे कि कई बार क्या होगा, इससे भी आपकी कैलकुलेशन टफ रहेगी, तो एक और इजी करने के लिए मेथड है जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, कह रहे एक्स मीन के अंदर में निकालने का तरीका क्या रहेगा, कह रहे एज्यूम मीन प्लस में रहेगा, वहां भी एज्यूम मीन लेंगे, बट आपको क्या करना होगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसीज इनटू में ये लेना होगा, क्या बोलते हैं, यूआई लेना होगा, ठीक है, यूआई लेना होगा और फ्रीक्वेंसीज से डिवाइड कराएंगे सम में, बट इनटू में मल्टीप्लाई कराएंगे क्लास लेंथ को, जहां पे यूआई क्या होगा आपका, यूआई होगा आपका डीआई बाय क्लास लेंथ। मतलब हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन लंबी होनी थी इसलिए हमने डी आई की जगह यू आई बनाया, तो क्या किया वहाँ पे, हर डी आई को क्लास लेंथ से डिवाइड कराया। सी क्या है यहाँ पे, क्लास लेंथ है, ठीक है, क्लास लेंथ है। ये एक थर्ड फॉर्मूला निकल कर आएगा। अभी ये सारे फॉर्मूलाज मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा, एक एक मेथड को हम देखेंगे। ओके जी, समझ में आया बच्चे, ये पर्टिकुलर हमारे तीन फॉर्मूला बनते हैं। इस तीन फॉर्मूला को यहाँ पे लिख लो, अभी हम आगे डिटेल में इन तीन फॉर्मूला पे बात करने वाले हैं। ओके, सो एक्स मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से क्या निकला भाई, एक्स मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से निकला है हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इनटू एक्स आई डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, चलो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इसको यूज करके देखते हैं। ओके, फिर हम बाकी दो मेथड भी देखेंगे।
ओके तो पहला मेथड देखिए, पहला मेथड से जहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है, पहले हम यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स हैं उसको लिख देते हैं। 41 से 45 का है, 46 से 50 का है, राइट, 51 से 55 का है, 56 से 60 का है ना, 61 से 65 का है, और क्या है फिर 66 से 70 का है। ये है क्लास इंटरवल। अब ये तो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं जो कि है वेट इन केजीज, है ना। ये हमारा पहला कॉलम हो गया। अगला कॉलम किस चीज का बनेगा, अगला कॉलम हम बनाएंगे बच्चे मिड पॉइंट का, जो कि एक्स आई है मिड पॉइंट का। ये क्या है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम करो, 2 से डिवाइड कराओ। क्या करेंगे, 41 प्लस 45 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 86 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 43 आ गया। ये दिमाग में करनी है कैलकुलेशन, 46 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 96 डिवाइड बाय 2 है ना, कितना आया भाई, सर ये आ गया 48। फिर अगला कितना आएगा, 53 आएगा। फिर अगला कितना आएगा, 58 आएगा। फिर कितना आएगा, 63 आएगा और 68 आएगा। ये मिड वैल्यूज आ गई। ओके अब देखो एक्स आई निकल गया, हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, एक्स मीन का, एक्स मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ओके, डायरेक्ट मेथड से। सो इसके लिए नीचे वाली वैल्यू क्या है भाई, हमारा फ्रीक्वेंसीज का सम है। फ्रीक्वेंसीज क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में 4, 3, 9, 8, 7 और 2। अब इनका सम करिए, ठीक है, इसको ऊपर करते हैं, हम जरूरत नहीं है ना ऊपर वाली वैल्यूज की, सारे नोट डाउन कर लिया हमने। इनका सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फ्रीक्वेंसीज का सम मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 plus 3 7 7 plus 9 16 16 plus 8 24 24 plus 7 24 plus 7 31 और 33 कितना है भाई, 33 आ रहा है, चेक कर लो एक बार, 15 17 26 26 और 29 और 33 सही आया, ठीक है। ये हो गई हमारा नीचे की वैल्यू, एक्स मीन में नीचे की वैल्यू कितनी आ रही है, 33 आ रही है। अब एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई निकालो। चलो जी कितना आया, 43 को 4 से मल्टीप्लाई करो, देख रहे हो अब कैलकुलेशन कितनी लंबी लंबी जा रही है यहाँ पे। 43 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, सर ये आएगा हमारा 2 और यहाँ आएगा 1 और 3 है ना, सॉरी 1 और 7 सॉरी, ठीक है 172 आ गया। 48 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 24 और 12 144, ठीक है। 53 को 9 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, सर 7 आएगा यहाँ पे और 47 आएगा, राइट, ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ओके। 58 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 464 आएगा। 63 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 63 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 441 आएगा, ओके। 68 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा भाई, सर 136 आएगा। ऊपर वाली वैल्यूज भी एक बार मैं चेक कर लूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं करी किसी में, 53 × 9 = 477, 48 × 3 कितना आया, 144, और 43 × 4 कितना आया, 172, सही है। अब इनका सम करने का है, वो हमारा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। अब कैलकुलेशन देख रहे हो कितनी लंबी हो रही है और कन्फ्यूजन हो रहा है, कहीं गलती तो नहीं कर दी, तो ये सब प्रॉब्लम रहती है, राइट। इसीलिए हमें दूसरे शॉर्टकट मेथड और सेफ डेविएशन मेथड का यूज़ करना होगा। अब सम करो इसका, 144 प्लस 477 प्लस 464 प्लस 441 प्लस 136 प्लस कितना आया, 1834। अब गलती नहीं करिए तो क्रॉस चेक भी कर रहा होगा, चेक करो 172 144 477 464 441 और 136, एकदम सही है, सारी वैल्यू सही आई है, 1834। तो यहाँ पे कितना आया भाई, 1834। अब 1834 को क्या करेंगे हम, 1834 को डिवाइड कराएंगे किससे भाई, 33 से। कितना आया, 55.575 575 75 75 75, तो कंटिन्यू हो रहा है, तो कंटिन्यू हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम डंडा लगा देते हैं, तो मतलब ये 75 75 75 रिपीट होता जा रहा है, ये हमारी वैल्यू आई है, ओके जी। अब ये देखा कितनी लंबी कैलकुलेशन हुई, अब इसको छोटा करते हैं।
ठीक है, तो बाकी दो मेथड्स है उसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो हम निकालेंगे क्या, अब हमने एक्स आई निकाला, अब हम निकालते हैं डी आई, ठीक है। तो डी आई क्या था हमारा, सर डी आई था हमारा, ये थोड़ा सा मुझे नीचे में चाहिए होगा, ऊपर में थोड़ा सा इरेज कर दूँ इसको, टेबल मैंने ज़्यादा ऊपर ले गया हूँ, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे ले चलते टेबल को, ठीक है। डी आई निकालते हैं, अब डी आई क्या आया हमारा, डी आई है सर हमारा एक्स आई माइनस का एक एज्यूम मीन कर लेंगे, एज्यूम मीन मतलब कि इनमें से कोई एक वैल्यू निकाल लो, राइट, बीच के में 53 या 58 में से ले लो, चलो 53 ले लेते हैं। अब 53 में हमने एज्यूम मीन ले लिया, तो मतलब एक ही जगह पुट क्या कर देंगे हम, 53, हर एक वैल्यू में से 53 को माइनस करने का है, राइट। सो 43 में से माइनस किया 53 को, कितना आया, माइनस 10 आया, फिर कितना आया, माइनस 5 आया, 0 आया, 5 आएगा, 10 आएगा और 15 आएगा, राइट। अब मल्टीप्लाई कराओ, देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी, 4 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई कराया माइनस 40 आया, राइट। एफ आई डी आई निकाल रहे हैं, अब एफ आई डी आई निकाल रहे हैं, 3 को माइनस 5 से कराया माइनस 15 आया, 9 को 0 से 0 आया, 8 इंटू 5 40 आया, 7 इंटू 10 70 आया, और 2 इंटू 15 30 आया। कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई है, देख रहे हो, ये फायदा है शॉर्टकट मेथड का। अब 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, ओके, आपका 15 से 30 गया, कितना बचा सर, 15 बच गया, यहाँ पे 15 प्लस 70 कितना हो गया, 85 हो गया। अब एक्स मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स मीन का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे बच्चे 53, जो कि हमारा एज्यूम मीन था, प्लस में सम ऑफ एफ आई डी आई जो कि 85 था, डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो कि है 33, राइट। तो कितना हो गया भाई, 55 को डिवाइड, सॉरी 85 को डिवाइड किया हमने किससे, 33 से, और उसमें ऐड किया 53, सो आंसर कितना आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है 55.575, ये एक्स मीन की वैल्यू निकली, ये हमारा शॉर्टकट मेथड से। कौन सा आसान और कौन सा जल्दी निकल रहा है सर, ये वाला, डायरेक्ट मेथड बहुत कंफ्यूजन, अगर कोई क्वेश्चन अब करना है तो डायरेक्ट मेथड तो यूज करने का ही नहीं, अनटिल एंड अनलेस बहुत सिंपल वैल्यूज दे रखी हो, जब आपको लगे कि नहीं यार कहीं भी कोई भी ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है तब तक नहीं करने का। बट ऐसा नहीं है कि इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, हो सकता है किससे, स्टेप डेविएशन से, बट ये क्वेश्चन सिंपल है तो यहाँ से स्टेप डेविएशन यूज नहीं करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं वहाँ हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। अब स्टेप डेविएशन के लिए एक अलग क्वेश्चन लेंगे, तो यहाँ पे हमने उसको एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मूला दोबारा लिखे हुए हैं, स्टेप डेविएशन का बस फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं दोबारा, क्या था स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला था, कह रहा है कि आपको क्या करना होगा, एज्यूम मीन ऐड करना है किसमें, एफ आई यू आई डिवाइड बाय एफ आई के सम में इनटू क्लास लेंथ, जहाँ आपका यू आई बनता है वो होता है क्या भाई, हमारा डी आई बाय क्लास लेंथ, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एक्स आई माइनस एज्यूम मीन बाय क्लास लेंथ, है ना। सी क्या है भाई हमारा, सी क्या है, क्लास लेंथ है, क्लास लेंथ क्या होता है हमने पढ़ा है ना, यस सर क्लास लेंथ पढ़ा है, क्लास लेंथ क्या होता है जल्दी बताओ सर, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारी क्लास लेंथ थी 5, कैसे निकाला आपने, कह रहे सर हमें याद है, करना कुछ नहीं है, पहले ये जो क्लास लिमिट्स हैं उनको क्लास बाउंड्री में माइनस करेंगे, तो क्लास बाउंड्री यहाँ क्या होगी, 41 में क्या करेंगे, देखो 45 और 46 में कितना डिफरेंस है, 1 का, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5, जो हमारी लोअर क्लास लिमिट है उसमें माइनस करेंगे 0.5, तो 40.5 यहाँ बन जाएगा, 45.5 यहाँ बन जाएगा, है ना, ऐसे नीचे चलेगा। सिमिलरली अपर क्लास बाउंड्री में ऐड करेंगे 0.5, तो 45.5 यहाँ हो गया, 50.5 यहाँ हो गया, राइट। सो ये हमारी क्या बन रही है बच्चे, क्लास बाउंड्रीज बन रही है। अब हमारा क्लास लेंथ क्या होता है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, राइट, क्या होता है क्लास लेंथ, होता है अपर क्लास बाउंड्री मतलब 45.5 माइनस लोअर क्लास बाउंड्री 40.5, कितना हुआ भाई 5 हो गया, तो क्लास लेंथ क्या आ गई भाई यहाँ पे 5 आ गई। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टेप डिवीजन मेथड से, तो वहां पे क्लास लेंथ 5 लेकर आप एक नई वैल्यू निकाले क्या यू आई की, फिर यू आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला में बाकी सेम है पुट कर दीजिएगा, ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन मैं नहीं करके दिखा रहा, आप खुद करेंगे, ये एक और क्वेश्चन है, ये आपको अब सर करके दिखाएंगे, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, देखिए ध्यान से देखिए क्या करना है हमें, पहले ये पूरे जो मार्क्स हैं इसको लिख लो, ये भी सेम सा क्वेश्चन है थोड़ा, बट थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा बड़ी है, देखो यहाँ 15 25 30 तो ज्यादा बड़ी है,
तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे. कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 140 स्टूडेंट्स हैं. सो मार्क्स कैसे हैं? 10 है, 19 है, 20 है, 29 है, 30 है, 39 है, 40 है, 49 है, 50 है, 59 है, 60 है, 69 है, 70 है, 79 है, 80 है, 89 है, और 90 है, और 99 है. ये मार्क्स है, ठीक है ना? राइट. अब यहाँ पे हमें जो मार्क्स तो मिल गए हैं, अब क्या करेंगे? इन मार्क्स का हम क्या करेंगे भाई? मीन निकालेंगे, है ना? सॉरी, मिड पॉइंट निकालेंगे, एक्सआई निकालेंगे. एक्सआई क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट ऑफ मार्क्स. मिड पॉइंट निकालेंगे. क्या होगा मिड पॉइंट में? कह रहे सर सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करना है और टू से डिवाइड करना है. 10 + 19 = 29. 29 डिवाइड बाई 2 कितना होता है सर? ये होता है हमारा 14.5. अगला कितना हो जाएगा ऐसे? 24.5. अगला कितना हो जाएगा? 34.5. अगला कितना हो जाएगा? 44.5. अगला कितना हो जाएगा? 54.5. फिर 64.5. फिर कितना होगा? 74.5, 84.5, और आखिरी होगा 94.5. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लाइन लगा लो. ओके, राइट. रोज बनानी शुरू कर दी हमने. ये जो सर कर रहे हैं साथ साथ करना है बच्चे, वरना क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी एंड में. ये क्या आ गया? एक्स आई आ गया. अब मैंने आपको क्या बोला मेरे बच्चे? मैंने आपको बोला कि हमें इसको सिर्फ स्टेप डिविजन से सॉल्व करेंगे. सो क्या निकालेंगे हम? यू आई निकालेंगे. यू आई क्या होगा हमारा? यू आई होगा सर हमारा एक्स आई में एक एज्यूम मीन लो, कोई भी एक ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ ऑब्जर्वेशन है, उसके बीच की वैल्यू उठाओ. तो बीच की कौन सी होती है? फिफ्थ वैल्यू. 1, 2, 3, 4 ऊपर से छोड़ो और 4 नीचे से, तो 54.5 एज्यूम इन ले लेते हैं. 54.5 हर एक वैल्यू में से माइनस करेंगे. डिवाइड किससे करेंगे? क्लास लेंथ. क्लास लेंथ कितनी है? देखो ये कितना है, 10 और 19 है. तो अब ये 10 और 19 को हम क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट कर लेते हैं. यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से इनको क्लास बाउंड्री में करो. 19 और 20 में एक का डिफरेंस है ना, एक का डिफरेंस आ रहा है. अब एक को दो से डिवाइड करेंगे, 0.5. तो लोअर क्लास बाउंड्री में माइनस करने का, तो ये बनेगा कितना? 9.5. कितना बनेगा भाई? 9.5. ये क्लास बाउंड्रीज बना रहा हूँ मैं, ठीक है? एक का लेकर हम निकालेंगे, ठीक है? ये 9.5 आया और इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 19.5. तो अपर क्लास बाउंड्री 19.5, लोअर क्लास बाउंड्री 9.5. माइनस करो इनको, 19.5 माइनस 9.5 ये कितना देगा? हमारा क्लास लेंथ दे देगा. कितना आया? 10. तो क्लास लेंथ कितना आया मेरा? 10 आ गया, राइट. या तो आप सारी की सारी पहले क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करो, या फिर आप एक ही को लेकर ऐसे वैल्यू निकाल लो. मेरे को ये लगता है कि यार ये सिंपल है, क्यों मैं सारे को निकालूं? जरूरत ही नहीं है मेरा टेबल बनाने की. मैंने क्लास लेंथ कितना निकाल लिया? 10 निकाल लिया. ध्यान से ये याद रखना बच्चे, आपको देखना होगा कि यहाँ पे क्या दे रखा है, क्लास लिमिट्स दे रखा है या क्लास बाउंड्री दे रखा है. कैसे पता करता है? अगर यहाँ पे और ये दोनों सेम है तो ये क्लास बाउंड्री है, सेम नहीं है तो यहाँ पे ये क्लास लिमिट है. हमारे केस के अंदर हमें क्या दे रखा था? हमें दे रखा था क्लास बाउंड लिमिट दे रखा था हमें, फिर बाउंड्री में कन्वर्ट किया और उसकी क्लास लेंथ 10 निकाली. निकाल दिया. अब फॉर्मूला से पुट करते रहो, ठीक है? हर वैल्यू को क्या करना है हमें? हर वैल्यू में 54.5 माइनस करना है. 14.5 माइनस 54.5 कितना हो गया? माइनस 40, है ना? माइनस 40 को 10 से डिवाइड, कितना आ गया? माइनस 4. सिमिलरली 24.5 माइनस 54.5 माइनस 30 डिवाइड बाई 10 माइनस 3 आ गया. फिर अगला कितना होगा ऐसे? माइनस 2 आएगा, माइनस 1 आएगा. ये पैटर्न होगा, देखना, ऑब्जर्व कर लेना कैलकुलेट करके. ये पैटर्न बनेगा 1, 2, 3 और 4. देख रहे हो? अगर डायरेक्टली एक्स आई को लेकर हम सॉल्व करते पागल हो जाते. छोटा कर दिया, सिंपल हो गया, है ना? राइट. अब हमारा यहाँ पे ये यू आई निकल आया. अब क्या करेंगे हम? फ्रीक्वेंसीज को लिखते हैं. फ्रीक्वेंसीज को लिखते हैं यहाँ पे, राइट. ये टेबल का अगला पार्ट है. फ्रीक्वेंसीज क्या है हमारी भाई? 7 है, 15 है, 18 है, 25 है, 30 है, राइट, 20 है, 16 है, 7 है, और लास्ट में 2 है. ओके, यहाँ तक का हमारा टेबल कंप्लीट हो गया. ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, बस हो गया. अब क्या करना है हमें? एक चीज़ निकालनी है, एफ आई यू आई, राइट. क्या निकालना है? एफ आई यू आई. तो चलो भाई एफ आई यू आई निकाला जाए.
हर एक वैल्यू में निकालते हैं। बस टेबल का काम हो गया कंप्लीट, ऑलमोस्ट डन। -4 × 7 कितना होता है भाई? -28। -3 × 15 -45। -2 × 18 -36। -1 × 25 -25। फिर 0, फिर 20, फिर 32, है ना, 21 और 8। ओके जी, समझ आया। अब वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करो, देखो ये -28 से ये 8 और 20 कट गया, राइट। अब देखो ये 32 और 36 में से यहाँ पे क्या बचा? -4 बच गया यहाँ पे, है ना, राइट। आप पेन भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या क्या कट कर दिया? ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया था, 32 कैंसिल हो गया, -4 बचा। -25 और 21 कितना हो जाए? यहाँ पे -4 बचा है। अब वैल्यूज क्या रह गई? -45 और -8 कितना होता है भाई? -53। यहाँ सम कितना आया भाई FIUI का? -53 आया। ओके, अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सर सिंपल, फॉर्मूला है हमारा एक्स मीन का एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ FIUI डिवाइड बाय सम ऑफ FI इनटू क्लास लेंथ C। ओके, तो एज्यूम्ड मीन कितना है सर? एज्यूम्ड मीन है 54.5। FIUI की वैल्यू कितनी आई है सर? -53। कितनी है भाई? माइनस में आया, ठीक है। तो यहाँ प्लस में ऊपर में -53 लगाएंगे। FI की वैल्यू यहाँ हमें दे रखी थी, है ना, 140, देख रहे हो ना, 140 यहाँ दिया हुआ है। सो 140 फुट कर दो, 140 फुट करने का, 140 फुट करने का, क्लास लेंथ 10 है, ये हमें दे रखा है ना। सो क्या करेंगे? क्लास लेंथ 10 हमने यहाँ निकाली ना, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आया फटाफट देखो सर। वैल्यू आ रही है हमारी कुछ इस प्रकार, क्या आ रही है भाई देखो, 53 को हमने डिवाइड कराया है 14 में, और ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है माइनस करी है हमने 54.5 में से, तो हमारा आंसर आ रहा है 50.71428, ठीक है, 43 कर दो यहाँ तक, ठीक है। ये क्या आ रहा है मेरा? एक्स मीन आ रहा है, ये क्या आ रहा है मेरा? एक्स मीन आ रहा है, ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या आ रही है? एक्स मीन आ रही है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना था, राइट। मुश्किल है क्या? नहीं है। थोड़ा लंबा है क्या? यस, बट कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कहीं भी कोई गलती नहीं होगी, ध्यान से करेंगे। ओके, समझ में आया बच्चे? यस सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन सर आपको दे के जा रहे हैं, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, बट उससे पहले ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद टेली करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा। We'll be right back.